हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया एक इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि रिलेटेड है आपके सभी क्वेश्चनों के आंसर से। देखिए, काफ़ी टाइम से मुझे बच्चे कमेंट में पूछ रहे थे कि हमारे एग्जाम से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराइए, क्या हम बिना एग्जाम दिए प्रमोट हो जाएंगे, क्या एग्जाम कैंसिल होंगे, अगर एग्जाम होंगे तो एग्जाम कब होंगे, एग्जाम डेट क्या है, और जो UGC की नई एडवाइजरी आई है आप उसे कंसाइज करके वीडियो प्रोवाइड कराइए। देखिए, मैं आज आपके लिए वही वीडियो लेके आया हूँ। जो भी बच्चों को प्रॉब्लम है प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप वीडियो पूरी देखते हैं तो आपको सारी प्रॉब्लम के आंसर मिल जाएंगे आपके, ठीक है ना। और जो बच्चे पहली बार चैनल पर विजिट करें, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रेस कर लें बैल को नोटिफिकेशन वाली, ऑल नोटिफिकेशन पर, ताकि आपको हमारे चैनल की सभी नोटिफिकेशन मिलती रहें जो कि रिलेटेड है सब्जेक्ट वीडियो से। मैं आपको बता दूँ, हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ग्लोबलाइजेशन से रिगार्डिंग में वीडियोस प्रोवाइड कराता रहता हूं। देखिए, मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है ना। अगर आप लाइक करते तो मुझे लगता है कि हाँ, मुझे आपके लिए और भी वीडियोस इसी तरह की लाते रहना चाहिए, ठीक है ना। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं, जो UGC ने एडवाइजरी जारी करी है वो सिर्फ एक एडवाइजरी है, नोट जो यूनिवर्सिटीज़ को दी गई है, एक गाइडलाइन है जिसके मुताबिक यूनिवर्सिटीज़ काम कर सकती हैं, ठीक है ना। जो उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ वो सिर्फ ऑथेंटिक डेट शीट है, मैंने कहीं से अपनी तरफ से कुछ नहीं डाला, जो UGC ने बताया है सिर्फ उसी तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन ये होगा कि क्या हम बिना एग्ज़ाम दिए प्रमोट हो जाएंगे। तो देखिए, ये तो झूठ है, एग्ज़ाम दिए बिना प्रमोट नहीं होने वाले हैं। देखिए, बिना एग्ज़ाम दिए आपका एग्ज़ाम बेशक डिले हो सकता है, लेट हो सकता है, लेकिन एग्ज़ाम आपको देने ही पड़ेंगे। और बाकी जो UGC ने अभी तक की जो एडवाइजरी में यही बताया कि एग्ज़ाम आपको देने पड़ेंगे, कैंसिल नहीं होने वाले। बाकी इसके ऊपर डिपेंड करता है कि कोरोना वायरस कितना इफेक्ट करता है हमारे कंट्री में, ठीक है ना। आगे की एडवाइजरी जब भी जारी होगी, लेकिन फिलहाल के लिए तो ऐसा नहीं हो रहा। हाँ, जिन बच्चों को प्रमोट किया जा रहा है वो वही बच्चे हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी बच्चे की एक में बैक आई है तो उसको रोका नहीं जाएगा, उनको आगे प्रमोट कर दिया जाएगा जब उनके सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम होंगे। फर्स्ट ईयर में अगर मान लीजिए बैक आई है तो सेकेंड ईयर के साथ उनके एग्ज़ाम ले लिए जाएंगे, जैसे NC वेब वाले हैं, रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, उनके रिगार्डिंग हम समझ सकते हैं। दूसरा, एग्ज़ाम कैंसिल होंगे या नहीं, तो आप समझ ही गए होंगे एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होंगे। अब क्वेश्चन आता है बहुत बड़ा कि एग्ज़ाम कब होंगे, एग्ज़ाम डेट क्या रहेगी। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपके एग्ज़ाम जो हैं अकॉर्डिंग टू UGC जुलाई में हो सकते हैं, 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई के बीच में उन्होंने एग्ज़ाम लेने के लिए गाइडलाइन बनाई है, ठीक है ना। बाकी उनकी कमेटी अभी कार्य कर रही है इसके ऊपर। उन्होंने बोला है कि 1 महीने के अंदर ही सारी यूनिवर्सिटीज अपने एग्ज़ाम ले लें, 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई के बीच में। और साथ के साथ उन्होंने रिजल्ट से रिगार्डिंग भी बता दिया है कि 31 जुलाई तक थर्ड ईयर वालों का रिजल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है ना। और जो बाकी के रिजल्ट्स हैं बाकी ईयर्स के, उन्हें 14 अगस्त से लेके 15 अगस्त यानी 14-15 अगस्त तक आ जाना चाहिए रिजल्ट को, ठीक है। अब आगे बताता हूँ मैं आपको कि कुछ सजेशन भी UGC ने दिए हैं। जैसे ये है कि टाइम लिमिट हम जो है, उन्होंने बताया है कि यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये एडवाइजरी भी बताया है कि आप जो है एग्ज़ाम की जो टाइमिंग है वो कम कर सकते हैं, ठीक है। यानी 3 घंटे का एग्ज़ाम 2 घंटे का कर सकते हैं, ताकि आप दिन में 3 एग्ज़ाम ले सकें। एक तो मॉर्निंग शिफ्ट में होता ही था, आपको पता है, एक नून शिफ्ट में होता था। अब क्या हो सकता है, एक अर्ली मॉर्निंग करके, एक मिड नून करके, एक इवनिंग टाइम में करके 3 बजे 3:30 बजे स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम हो सकें, ठीक है ना। और बच्चों को सोशल डिस्टेंस भी बनाए रखा जाए, कम बच्चे हम एक रूम में एडजस्ट कर पाएँ। दूसरा ये है कि मैक्सिमम मार्क्स, जैसे 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, तो आप एग्ज़ाम के जो मार्क्स हैं उन्हें कम कर सकते हैं, ताकि बच्चे को मेन क्वेश्चंस पूछ लिए जाएं और उनका जल्दी से एग्ज़ाम भी ख़त्म हो जाए 2 घंटे के अंदर, ठीक है ना। ये आप उन्होंने जो है सजेशन दी है। और मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चों के सवाल मेरे पास ये भी आ रहे थे कि न्यू एडमिशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो मैं आपको बता दूं, UGC ने 1 सितंबर से बताया है कि न्यू एडमिशन स्टार्ट हो सकते हैं 1 सितंबर से, ठीक है ना। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चनों के आंसर आपके मिल गए होंगे। और जैसे ही डेट शीट या एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आती है, मैं आपको तुरंत ही प्रोवाइड करा दूंगा इन्फॉर्मेशन। और बाकी अगर आपके और भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं सब्जेक्ट जो स्टार्ट कर चुका हूँ, अभी सेकंड ईयर के हिंदी चल रहा है, वो 1-2 दिन में ही फिनिश हो जाएगा। उसके बाद मैं जो सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाला हूँ, एनवायरमेंटल साइंस सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 के लिए, और एजुकेशन सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के लिए, वो अभी 4-5 दिन के अंदर फिनिश हो जाएगा। अगर कोई और सब्जेक्ट भी है जिसकी आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं। मैं जल्द ही दूसरी वीडियो के साथ आपसे फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।